हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए चैप्टर के साथ। अरे कैसे हैं आप लोग? अब क्लास ट्वेल्थ मैथ्स टू पूरा हो चुका है बच्चों। यस माय डियर्स, बता दूं मैथ्स टू क्लास ट्वेल्थ बारहवीं का मैथ्स टू जो है वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ चुके हैं यस लिमिट चैप्टर क्लास इलेवेंथ मैथ्स टू की जिम्मेदारी मेरी है, जो बहुत जबरदस्त तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। पहला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये जो 4.0 सीरीज का शुरुआत ही हुआ था, हमने सबसे पहले 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर लिया इस सीरीज में। अभी हम जो चैप्टर आज सीखने वाले हैं लिमिट्स है। ये लिमिट्स होने के बाद हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कंटिन्यूटी, और ये कंटिन्यूटी होने के बाद हम फंक्शन और परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, ये करके हमारा मैथ टू जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस मैंने आपको एकलव्य 4.0 में पढ़ाया मैथ टू का। ओके यस, मैथ टू का आज लिमिट्स खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किया है, एक एक क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, हर एक में से एक एक क्वेश्चन आएगा। ओके, मैथ क्लास इलेवेंथ में मैथ्स के अंदर 10 चैप्टर है, मैथ्स टू में 5 चैप्टर है, मैथ्स वन में 5 चैप्टर है। तो मिथिलेश सर जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं ट्वेल्थ का, जैसे उनका खत्म होगा वैसे, और मैं यहाँ पर जो है मैथ्स टू खत्म करने वाला हूँ अच्छे से पढ़ा के। तो आज हम लोग लिमिट चैप्टर करने वाले हैं। चलो आ जाओ मेरे साथियों, भाइयों और उनकी बहनों, पट करेंगे लिमिट्स। आ जाओ फटाफट ऑल माय डियर। लगातार हमारे लेक्चर हो रहे हैं, अभी प्रो बैच में हमारा कंटिन्यूटी खत्म हुआ है। क्रैश कोर्स में मेरे सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा है। आ गए, चलो काफी बच्चे आ गए। लिमिट्स क्या होता है? देखो लिमिट्स की बात करेंगे बच्चों, इस तरह से लिमिट्स को LIM लिखते हैं। यहाँ पर एक x होता है, x टेंड टू कोई तो एक नंबर होगा 0, 1, 2, 3 इस तरह से, और कोई एक फंक्शन होता है। लिमिट सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों? लिमिट x टेंड, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, समझा रहा हूं मैं, देख लो। समझो यहाँ पर है 2x² + 3x + 5, तो ये क्या कहता है? समझो यहाँ पर x टेंड टू 1 है, तो लिमिट सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जहां पर भी x है 1 रख दो, जैसे ये 2 है, x की जगह 1 रख दो। ओके, इस तरह से 1 रख दो, तो आपका आंसर आता है 1² 1 × 2 = 3 = 5, ये 10 आ गया। आपका आंसर क्या आ गया बच्चों? 10 आ गया। तो ये लिमिट सॉल्व करने का तरीका होता है। लिमिट मतलब क्या? जो भी फंक्शन है x टेंड टू 1 है, मतलब x की जगह 1 रख देने का। लेकिन समझो कोई इस तरह का फंक्शन है, x टेंड टू 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है और यहाँ पर है x² - 1 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब बोलोगे सर x की जगह 1 रख दो। अगर x की जगह 1 रखोगे तो जो डिनोमिनेटर है अपॉन में 1 - 1 0 हो जाएगा। किसी भी फंक्शन के अपॉन में 0 अगर आ रहा है तो वो लिमिट सॉल्व नहीं होगा। लिमिट सॉल्व करने के लिए आपको अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो x की जगह ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते, पर यहाँ तो रख दिए थे x की जगह 1 डायरेक्ट रख दिया था, यहाँ अपॉन नहीं था ना। जब भी फ्रैक्शन नहीं होगा, अपॉन नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, पर जब अपॉन है यानी फ्रैक्शन है ऊपर नीचे, तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखोगे। तो क्या करना पड़ेगा? ये x टेंड टू 1, x टेंड टू 1 का मतलब होता है कि x 1 के बहुत करीब है लेकिन x 1 को इक्वल नहीं है। इसका मतलब x 1 यहाँ पर आया, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये जो 1 यहाँ पर आया x -1 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x टेंड टू 0 है, इसका मतलब x 0 को इक्वल नहीं है। ओके, ये चीज याद रखना है। तो हमें क्या करना है, x टेंड टू 1 है तो x की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1 0 हो जाएगा, मतलब ये x माइनस 1 हमारा दुश्मन है, वो कट हो जाना चाहिए। क्योंकि x माइनस 1 को कट करने के लिए हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करेंगे। नीचे x माइनस 1 है, x की जगह यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की जगह डायरेक्ट 1 नहीं रख सकते। x² - 1² a² - b² तो a + b a - b, ये अब देखो ऊपर नीचे x माइनस 1 कट हो जाएगा। अब x की जगह पर आप 1 रख सकते हो, तो ये हो गया 1 + 1 2 आ गया।
डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा होगा तो ही आप ये एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो। जैसे यहाँ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू रख दिए चलेगा, बट यहाँ एक्स की डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पाए क्योंकि ये जीरो हो रहा था। तो ये कंसेप्ट होता है, इसको याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक लेक्चर बाकी है, ओके मैं बोलता हूँ मिथिलेश सर को, कंप्लीट कर देंगे। अगर कुछ बाकी है तो टेंशन मत लो, जरा जरा ध्यान दे दो। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ बाकी है क्या कंसल्ट करो, उसका लेक्चर लगा हुआ। हाँ बेटा टेंशन नहीं लेना। ज्योति जगता पूछ रही है टॉपर्स बैच की फीस कितनी। बेटा आप हमारे दिनेश सर ऐप पर जाओ, वहां पर आपको सब दिखेगा। टॉपर्स क्रैश कोर्स में आप जुड़ जाना, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आगे कि क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा फॉर्मूले के रूप में। यस माय डियर, फॉर्मूलेस, लिमिट का फॉर्मूला। आपके पास हमारी फॉर्मूला बुक होगी उससे, या तो फिर ये फॉर्मूला मैं दिखा रहा हूँ, आप हमारे ऐप के किसी भी कोर्स में तो आपको वहां पर ये फॉर्मूला बुक दिख रहा होगा, ठीक है। तो लिमिट्स के फॉर्मूले कुछ होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं देखेंगे। लिमिट्स के बारे में पहले बात करेंगे। जो लिमिट्स का जो LIM होता है, ये भाई बड़ा बदमाश होता है, ये हर जगह घुस जाता है। दरवाजा बंद करके रखोगे दरवाजे में घुस जाएगा, ये हर जगह जाके झांकता है, सबके पास पहुंच जाता है, सबके पास। अगर दो फंक्शन है fx और gx प्लस माइनस है, लिमिट दोनों के पास पहुंच जाएगा। अगर दो फंक्शन है दोनों में मल्टीप्लाई है, लिमिट दोनों के पास पहुंच जाएगा। दो फंक्शन है दोनों का अपॉन है, लिमिट ऊपर नीचे दोनों के पास पहुंच जाएगा। अगर एक फंक्शन है उसके पावर में दूसरा फंक्शन है, लिमिट दोनों के पास पहुंच जाएगा, लिमिट पावर में भी पहुंच जाएगा। तो लिमिट एक ऐसा होता है, ओके, कोई नंबर कांस्टेंट है के, तो लिमिट है ना उस कांस्टेंट को पार करके आगे जाता है, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। अब यहां से मेन फॉर्मूले चालू होते हैं जो आपको आना चाहिए। लिमिट का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है x^n - e^n अपॉन x - a। अगर कभी आपको ये टाइप दिखे तो हम क्या करते हैं कि ये जो a^n है, डेरिवेटिव वाला तरीका a^n, ये n आगे लेते हैं, ओके, इनटू और इस n में से 1 माइनस कर दें, तो इसका डायरेक्ट लिमिट का फॉर्मूला ये होता। कभी आपको देखो ये 11th क्लास के लिमिट के फॉर्मूले हैं, ये सब आपको आने चाहिए। अगर आपको आएंगे तो ही आप जो है बहुत सारे सम्स है वो कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो लिमिट a^(x-1) कभी दिख गया अपॉन में x, a के पावर में जो है वही अपॉन में, तो ये जो a है उसका log ही आंसर आता है। जिससे आपने डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद किए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद किए, वैसे ही लिमिट के फॉर्मूले याद करने। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हॉल टिकट ओपन नहीं हो रहा, एनरोलमेंट नंबर नहीं दिख रहा, ये शांति रखो ना, सीटी सेल का बेचारे का सर्वर ही डाउन हो गया। जैसे ही आया मैंने वीडियो बना दिया, अब मैंने वीडियो बना दिया तो हजारों बच्चे टूट पड़े, वेबसाइट पे टूट पड़े। तो जो बेचारा हॉल टिकट ओपन हो रहा था, अब ओपन ही नहीं हो रहा है। यार मैं वीडियो भी नहीं बनाना चाहिए मुझे यार, वेबसाइट ही डाउन हो जाती है, सर्वर ही डाउन हो गया उनका, या वेबसाइट डाउन हो गई, वो जो हो रहा था नहीं हो रहा है। थोड़ा देर रुक जाओ, रात में ट्राई करो या कल करो, हॉल टिकट आएगा, आया है, नहीं दिख रहा है दिखेगा। आपको हेल्पलाइन नंबर हमने दिया है सीटी का, अभी चैट में डाल दे दें, वहां पर कॉल करो, वो आपको हेल्प कर दे। कुछ अगर लॉगिन में इश्यू आ रहा है वो आपको पासवर्ड और जो भी आपकी ईमेल आईडी वगैरह में मदद करते हैं, आपको बताते हैं कि आप ये डालो वो डालो, ठीक है। तो सीटी के हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। तो चैट में चल रहा है, परेशान मत हो जाओ यार, हॉल टिकट आ चुका है बट डाउनलोड नहीं हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, रुको जरा ठंडा लो यार, सर्वर को ही क्रैश करवा दे रहे हो, एक साथ चले जा रहे हो। 80,000 लोगों ने मेरा वो लाइव देखा, अभी उसके व्यूज है आपको नहीं दिख रहे होंगे, ये 80,000 लोग उधर चले गए वेबसाइट पे, तो उसकी वजह से कुछ हो गया, थोड़ा सा उनको रिस्टोर करने दो वेबसाइट को, ओके। अब हमने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, मैंने आपको सब दिखाया, देखो ये एडमिट कार्ड ये हमने डाउनलोड किया, ये उसके बाद डाउनलोड बहुत से कम बच्चों को हो रहा था, किसी को नहीं, लोड आ गया वेबसाइट पे, समझ रहे हो कि नहीं, एक साथ टूट पड़े सब लोग, ओके। टेंशन मत लो, थोड़ा रुक जाओ ना, रात को या कल करो। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे आपने डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले याद किए थे इंटीग्रेशन, वैसे ही ये लिमिट के फॉर्मूले होते हैं, इसको याद करना है, ओके। e^(x-1)x तो लॉग ए, अब e^(x-1)x तो सेम फॉर्मूला है, इसका लॉग ई आएगा, जैसे लॉग ए होता है ना, ए नंबर होता है 1, 2, 3, लॉग ई 1 होता है, ये आपको पता है लॉग ई हमेशा 1 होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जहां पर एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगता ना वहां पर ये लगता है, एल हॉस्पिटल रूल अभी बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना, ओके। लिमिट 1+x है और उसके पावर में 1/x है, क्या है लिमिट 1+x है और उसके पावर में 1/x है, ये जो x है इसका रेसिप्रोकल, आंसर e आता है। लिमिट x टेंड टू जीरो,
समझे, वन प्लस टू एक्स है और इसके पावर में वन अपॉन ये टू एक्स है, टू एक्स होना चाहिए, तो आंसर ई आएगा। 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आए थे, सबके ऊपर ही आए थे। अगर समझो इसके पहले लॉग लग जाता है, लॉग, तो इसका आंसर तो ई आ रहा था, तो इसका आंसर लॉग ई आ जाएगा, लॉग ई। अगर ई यहाँ पर लॉग है तो यहाँ भी लॉग ई आएगा, लॉग ई वन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अभी कुछ ट्रिगो वाले जो होते हैं जो आपको आना चाहिए, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट होता है वन और टेन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट होता है वन, सिर्फ साइन और टेन के लिए लागू है, ओके। सिर्फ साइन एक्स और टेन एक्स के लिए होता है कि साइन के बाद जो एंगल एक्स है नीचे भी वही एंगल एक्स होगा तो आंसर वन, टेन के बाद जो एक्स है नीचे वही एक्स होगा तो आंसर वन। अगर समझो उल्टा है, एक्स अपॉन साइन एक्स है तो भी आंसर वन, अगर उल्टा है एक्स अपॉन टेन एक्स है इसका उल्टा है तो भी वन, एक्स टेन टू जीरो। अगर समझो साइन के बदले साइन इनवर्स एक्स है अपॉन एक्स तो भी वन, टेन एक्स के बदले टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स है तो भी वन होगा। यहाँ पर जो सबसे मजबूत फॉर्मूला है वो ये है, वन माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर अपॉन टू। इसको याद रखो, ये बहुत बार यूज हो रहा है 2022 और 23 के क्वेश्चन में। वन माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये होता है पी स्क्वायर अपॉन टू। और एक फॉर्मूला है जो आपको शॉर्टकट याद रखना चाहिए कि कॉस एम एक्स माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि जो एन है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन टू। यहाँ पर जो एक्स रेडियन में होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, एंगल छोड़ भी रेडियन, इसके जो एंगल से वो रेडियन में होना चाहिए, अगर वो डिग्री में है तो आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये जो फॉर्मूले के बेस पर 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2023 में भी आया था, ये फॉर्मूले के बेस पर 2021 22 23 भर भर के क्वेश्चन आए थे। जिसको ये फॉर्मूला आ रहा है ना, हो सकता है उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम में, ये चैप्टर में एक ही क्वेश्चन आएगा, ओके। ध्यान से देखो, जो बच्चे क्रैश कोर्स वाले हैं उनको ये लेक्चर जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी ले रहा हूँ जो क्रैश कोर्स में नहीं हुए थे। क्रैश कोर्स में तो बिल्कुल एकदम हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए, 2023 के सारे क्वेश्चन हमने किए क्रैश कोर्स में। ये चैप्टर जो मैंने कल लिया था, रात के 11 बजे तक पढ़ा था, 11:30 तक, 2 घंटे पढ़ाया था कल। तो क्रैश कोर्स वाले बच्चों भी प्लीज इसको देखना, इसमें और भी ज्यादा क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मिला जुला के, ओके। चलो ओके, तो जो भी हमारे ऐप के ऊपर बच्चे पढ़े थे वो जरूर ध्यान देना। फिर एक इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन होता है जो मैं आपको बताऊंगा। चलो अभी सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं किस तरह से करेंगे, कुछ कुछ अलग अलग क्वेश्चन भी हमने लिए हुए हैं। देखो ये सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, 2021 का क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि आप आंसर बताओ, 2021 में ये क्वेश्चन आया था, क्या होगा इसका आंसर? मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि लिमिट cos mx minus cos nx upon x square है, इसका ऑप्शन क्या आएगा? देखते हैं कौन बच्चे पहले करके बताते हैं। प्रथमेश बोलता है इतना किया तो 90 आएगा क्या पगली, अरे मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत कर, ब्रह्मास्त्र बुक सॉल्व कर साथ में, कल आपके पूरे लेक्चर देखा था, ओके बहुत अच्छा, तब तो आपको इजी आ रहा होगा। इसका आंसर दे दो फटाफट, एकदम पटकन आंसर दिया मुलानो, यस ए ए ए ए ए बोलने वालों, ए बोल रहे हैं। थैंक यू सर, इतना अच्छा फ्री में पढ़ाने के लिए। ज्योति जगताप लिख रही है, हमारी हॉल टिकट नहीं है, आ जाएगी बेटा, पीसीबी वालों का आया, पीसीएम का नहीं आया अभी, ओके। ए बोल रहे हैं पगलो, ए बोलने वाले खिसको, ए बोलने वाले खिसको, दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को, ए बोलने वाले किसको? अरे पगलो, अभी तुमको बताया cos mx minus cos nx upon x square होता है n square minus m square upon 2, अभी तो बताया बगा। तेजस लिख रहा है ब्रह्मास्त्र बुक की रेट 99 में, बेटा ई बुक है, अगर आपको ऐसा पूरा घर पे बुक चाहिए ना तो वो 551 रुपया है। क्या है देखो, n square minus m square upon 2 है, यहाँ पर क्या है देखते, क्वेश्चन क्या है, क्या है, क्या आएगा? पहले ये बाद वाला लेते हैं, n square minus, फिर ये m का डायरेक्ट शॉर्टकट ही आंसर था, बिना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे सॉल्व करने जाते, क्यों सॉल्व कर रहे हैं, अभी भी b बोल रहे हैं, b कहाँ है यार, मैं कुछ अलग पढ़ा रहा हूं आपको, अलग दिख रहा है क्या? आंसर दे दिया है,
अबे आंसर देने के बाद भी ए बी बोल रहे हैं, ये होगा ना सी, cos mx minus cos nx upon x square, cos mx minus cos nx upon x square, n square minus m square upon 2, n पहले आएगा, ये जो बाद वाला है वो पहले आता है, सी आंसर आएगा। इतना बताने के बाद भी ये भी क्यों बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आया समझ में? जो लोग को ध्यान नहीं है, सीटी का हेल्पलाइन नंबर देख उधर चैट में पिन किया बेटा, सीटी का हेल्पलाइन नंबर चैट में पिन किया है, मैं एडमिट था, फिर से करूं होगा क्या, फौजी गेमिंग होगा ना बेटा, तू ट्राई तो कर। ओके चलो, ओके एकदम। देखो अभी यही क्वेश्चन 2023 में आया था, 2023 में आया था, एकदम ध्यान से देखना, अभी वही क्वेश्चन है 2023 में। मेरी फॉर्मूला शीट इतनी इंपॉर्टेंट है ना, उसमें हर एक चीज मैंने बताई है कि भाई यही क्वेश्चन है, तो जो एंगल है शुड बी रिटेन इन रेडियन ओनली, 2023 में वही क्वेश्चन आया था। तो यहां पर देखो फॉर्मूले में ये क्या होता है, ये एम होता है, ये जो होता है एन होता है, फॉर्मूला क्या था, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन टू। सर कहां से आ रहा है ये कॉस एम एक्स माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कहां से आ रहा है, देखो cos mx minus cos nx upon x square, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है, n square minus m square upon 2, शॉर्टकट है ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, आज बुक ऑर्डर के लिए उदय बेटल ट्रैकिंग आईडी, ओके समझ आ रहा, ये शॉर्टकट दिया है। बट यहाँ पर क्या बोला है, एंगल शुड बी इन रेडियन, तो यहाँ तो एंगल डिग्री में है, एंगल डिग्री में है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया cos 7। देखो कभी भी याद रखना x डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 रेडियन, समझे कि नहीं, 1 डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 होता है, तो x डिग्री मतलब पाई अपॉन 180 और x अब रेडियन आ गया, cos 2 x मतलब पाई अपॉन 180। देखो आपने डिफरेंशिएशन में भी किया हुआ याद है ना, और नीचे तो x स्क्वायर है, लिमिट x टेंड टू 0। देखो ये क्वेश्चन है बच्चों अपना, क्वेश्चन ये है डिग्री को रेडियन करना है, मेरे फॉर्मूले शीट ने बताया कि एंगल शुड बी इन रेडियन, डिग्री दिया था 2023 में। देखो 21 में भी क्वेश्चन आया था, 23 में भी आया था, शॉर्टकट है, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के सॉल्यूशन होते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के सॉल्यूशन होते हैं, करना नहीं है। फॉर्मूला शीट कहाँ है बेटा, मेरी फॉर्मूला बुक नहीं लिया आपने, खरीदा नहीं, एकलव्य पब्लिकेशन डॉट कॉम से, अभी बैच में कंटिन्यूटी पढ़ के आए हैं, बहुत मजा आया, ओके वैष्णवी माली। चलो देखते हैं अभी हमारा डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है, एन स्क्वायर, देखो ये एन होता है, ये एन, दिस इज एन, एम, ये एम होता है, कैसे पता चल रहा है, यह फॉर्मूला है, कॉस पहला एम एक्स होता है, बाद में एन एक्स होता है, पहले एक्स के साथ एम है, दूसरे के साथ एन, फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन टू। तो देखो एन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो टू स्क्वायर फोर, पाई स्क्वायर, 180 का स्क्वायर 324, और ये 0000 n square minus m square, इसका square 7 का square 49 pi square upon 3240 ना, 18 का 324 होता है, ये हो गया upon 2, इनका क्या करना बेटा upon 2 करना है, n square minus m square upon 2। अब देखो ये दोनों का same है, 4 pi square minus 49 तो minus 45 pi square upon 32400 into ये जो 2 upon 1 उठा गया तो 1 अपॉन 2 अपॉन में ही आ जाएगा नीचे, है ना, अपॉन अपॉन एक साथ आ जाएगा, ये दोनों का बेस सेम है। अभी कट करो 45 से, इसको कट करो तो कट करोगे क्या आएगा, 45 7 जा आ जाएगा, 7 देखो 45 इंटू 7 डायरेक्ट करें 315, ओके और 2 बचा 315 9 बचा 90, 7 45 2 जा 90 और 0, इससे इसको कट किया 720 आ गया। अब आंसर क्या आ गया देखो, माइनस पाई स्क्वायर 720 इनटू 2 1440, आंसर कौन सा है, ये है डायरेक्ट आंसर। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है, सी आंसर है, सी आंसर है, पीसीबी वाले हैं शैलेश बेटा, रात को ट्राई कर, रात को या कल ट्राई कर, आ जाएगा, और नहीं हो रहा है तो हेल्पलाइन नंबर देख चैट में डाला है, सीटी हेल्पलाइन को कॉल कर, ओके। देखा क्वेश्चन कैसा है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है देखने में, सॉल्व करने जाओगे एक डेढ़ पेज का सोल्यूशन होता है ट्रिगो के फॉर्मूले से, काई के लिए करने का, डायरेक्ट शॉर्टकट पता है तो, ओके। चलो अभी और क्वेश्चन कर, ये 2023 का क्वेश्चन है बेटा, लिमिट ऐसे करना होता है,
अभी देखो हम आपको दिखाएंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बड़े आसानी से आ जाते हैं। देखो ये वाले फॉर्मूले एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चा, ये देखो ये वाले फॉर्मूले कि साइन एक्स अपॉन एक्स है उसका लिमिट वन होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स है उसका लिमिट वन होता है। ओके, ये वाले फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोगों के पास। एक क्वेश्चन है 2023 में आया था, ये क्वेश्चन देखो 2023-22 सब क्वेश्चन में बता रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट एक्स टेन टू जीरो, लिमिट आपको पता है सबके पास जाता है। देखो ये वन माइनस कॉस टू एक्स है बच्चा, वन माइनस कॉस, उसके नीचे ये एक्स स्क्वायर रहने दो। ये देखो ये साइन फाइव एक्स है अपॉन, ये नीचे देखो साइन थ्री एक्स है। देखना अभी आपको याद है या नहीं याद है, चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने दिया था कि कभी भी वन माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, ये शॉर्टकट है, फॉर्मूला नहीं है लिमिट का, बट ये शॉर्टकट है, इसको एज अ फॉर्मूला याद रखो कि वन माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। तो आप क्या करोगे, जो पी है वो पी का स्क्वायर अपॉन टू कर दो, क्या करोगे पी स्क्वायर अपॉन टू कर देंगे, पी स्क्वायर अपॉन टू कर देखो ये वही है वन माइनस कॉस टू, ये जो है ये पी है, तो इसका लिमिट क्या आ जाएगा, ये जो है पी का स्क्वायर, पी मतलब टू, टू का स्क्वायर अपॉन टू। फॉर्मूला क्या कहता है कि वन माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसका डायरेक्ट ये शॉर्टकट मेथड है, ये शॉर्टकट है, दोनों शॉर्टकट है, शॉर्टकट यूज करना है बार बार। तो वन माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, पी की जगह कोई भी नंबर होगा, इसका डायरेक्ट लिमिट का आंसर आता है पी का स्क्वायर, या पी की जगह जो भी उसका स्क्वायर अपॉन में हमेशा टू आएगा, ये एक्स स्क्वायर और ये सब बढ़ जाएगा। ये हो गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो वन माइनस कॉस पी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है इसका लिमिट जो है पी स्क्वायर अपॉन टू होता है, जो याद रखना है। अभी यहाँ पर देखो आपको पता है साइन एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पर आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट वन होता है, टेन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट भी वन होता है बच्चों। तो यहाँ पर एक और होता है कि भाई साइन के एक्स अपॉन एक्स है लिमिट, एकदम ध्यान से देखना, तो साइन के एक्स अपॉन एक्स का लिमिट डायरेक्ट सिर्फ के आ जाएगा, वैसे ही टेन के एक्स, ये सब शॉर्टकट तरीके हैं, इसको याद रखो, है ना, ये भी लिमिट है। ओके, इस तरह से ये सब शॉर्टकट तरीके याद रखना। अब देखो यहां पर ये एक्स है, इधर भी एक्स है, साइन साइन के एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए, हम दोनों को एक्स से डिवाइड करते हैं, ये जो लिमिट है वो सबके पास जाता है, यहां भी लिमिट हो गया, यहां भी लिमिट हो गया, एक्स टेन टू जीरो मन में रखने का चलेगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यह आता है साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स फाइव हो जाएगा, साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स थ्री हो जाएगा, क्यों, साइन के एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, साइन के एक्स अपॉन एक्स, ये आंसर क्या आता है डायरेक्ट। अब देखोगे टू स्क्वायर फोर, फोर अपॉन टू टू आ गया, टू फाइव जो टेन अपॉन थ्री आ गया, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन ए आया। क्या आ रहा है क्या आप लोगों को समझ में बेटा, आ रहा है समझ में, कैसे करना है? तो यार ये 2023 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, बट यहाँ के एक्स रहेगा, कोई नंबर है, साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स होगा तो फाइव आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये इस तरह से, यस ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो याद रखेंगे, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ सब, वो शॉर्टकट को फॉलो करना है। नेक्स्ट ये हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन और है क्या, देखते हैं वैसा क्वेश्चन। देखो एक ये और क्वेश्चन है, 6 अगस्त को आया था, 2022 को आया था, ओके 2022 को एक क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखोगे लिमिट एक्स टेन टू जीरो, अब देखो ये वन प्लस टेन और ये कॉसेक है, तो कैसे करेंगे, वन प्लस टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉसेक अपॉन, ये नीचे वन प्लस साइन एक्स है, ये ऊपर कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स को वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं, ये पूरे का पावर वन अपॉन साइन एक्स, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसका पावर वन अपॉन साइन एक्स और ये जो नीचे है इसका भी पावर वन अपॉन साइन एक्स करता हूँ, ऐसा करने से फायदा फायदा ही फायदा है। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला शीट आप रिफर कर रहे हो, यस, कि कभी भी वन प्लस एक्स है और उसके पावर में ये जो एक्स का रिसिप्रोकल है तो इसका आंसर ई आता है, क्या आता है बेटा, इसका आंसर ई आता है। जॉर्डन लिखते हैं एट द रेट पीयू, आप इंस्टा पर हो क्या, क्या करोगे जॉर्डन, उसको इंस्टा पे जाके, इंस्टा पे जाके रिक्वेस्ट भेजोगे, बातचीत करोगे, चैट करोगे,
हाँ रिचार्ज करोगे उसका मोबाइल, उसके घर वालों का भी रिचार्ज करोगे, उसके लिए शॉपिंग करवाओगे। हाँ वो पीयू नहीं हुआ तो, प्रदीप नाम का लड़का पीयू बन के तुमसे बात कर रहा है चैट में, तो बर्बाद हो जाओगे। पगले यहां इतनी चीजें बता रहा हूं और वहां इंस्टा आईडी मांग रहा है, नालायक कहेगा। देखो वन प्लस एक्स रेस टू वन अपॉन एक्स, ये ई होता है। अब ये कंसेप्ट हम लगाएंगे यहां पर, ओके। देखो यहां पर वन प्लस साइन एक्स और पावर में कोसेक को वन अपॉन, तो ये जो साइन एक्स है उसका रेसिप्रोकल है, ये जो लिमिट है ऊपर नीचे बांट दिया, जितनी बार चाहिए उतनी बार बांट सकते हो, क्योंकि अपने को बहुत शॉर्ट में करना चाहिए, ज्यादा लिखना नहीं। देखो वन प्लस साइन एक्स और ये यहाँ पर फॉर्मूला है, वन प्लस एक्स और इस एक्स का रेसिप्रोकल होगा, यहाँ लिमिट है एक्स टेंड टू जीरो है, तो आंसर ई आता है, बिल्कुल ही आ जाएगा, इसका आंसर ई आ गया नीचे। बट इसका क्या आएगा, यहाँ तो साइन अपॉन कॉस है, तो इसका उल्टा आना चाहिए ना, साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल कॉस अपॉन, तो हम यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस एक्स, और पूरे के पावर में वन अपॉन एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ऐसे करने से क्या होगा, ये कॉस कॉस कट जाएगा, जो था वही आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल कॉस अपॉन साइन है। अब देखो ये लिमिट इसका लोगे तो ये वन प्लस जो है उसका उल्टा ऊपर है, ऐसा ई आएगा, इसका आंसर क्या आएगा ई, और नीचे वाले का भी आंसर ई, बट ये लिमिट इसके पावर में चला जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो मालूम है ना, लिमिट पावर में भी जाता है, वन अपॉन कॉस एक्स ई रेस टू। अब देखो एक्स की जगह जीरो रखेंगे, ये क्या हो जाएगा वन अपॉन कॉस जीरो अपॉन ई, ई रेस टू कॉस जीरो वन होता है, वन अपॉन वन वन ई, तो दोनों कट गए वन आ गया, आंसर क्या आ गया वन, ऑप्शन सी। आपने देखा कैसे किया, यस माई डियर, बी कौन बोल रहा है, वन अपॉन ई कौन बोल रहा है, वन अपॉन ई कौन बोल रहा है, मैथ्स पार्ट टू कुछ नहीं हुआ है, क्रैश कोर्स से हो जाएगा साहिल। अरे बहुत ज्यादा क्रैश कोर्स में घिसवा रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, जिसको भी क्रैश कोर्स में आना बिल्कुल आ जाओ, अभी भी टाइम है, 2 मई 3 मई समझ रहे हो, 8 9 10 मई 16 17 मई को एग्जाम है, एक महीना है अभी, जिसका एग्जाम 16 17 मई 15 मई को आ रहा है उसको एक महीना है, अभी तो आज 13 अप्रैल है, एक महीने में भी हो सकता है। ऐप पर और यूट्यूब पे कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत डिफरेंस है बेटा, आप अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ 2-2 घंटे लेक्चर चलते, 1.5-1.5 घंटे के डेली 3-2 लेक्चर चल रहे हैं, अभी 4 से 5:30 मैंने पढ़ाया था, रात को 9:30 से 11 डेली 3 से 3.5 घंटे मैथ्स ऐप के ऊपर चल रहा है, यहाँ यूट्यूब पर डेली 1 घंटा मैथ्स चल रहा है। दूसरे लोगों का जो क्रैश कोर्स है सीटी का, उसके टक्कर में हमारा यूट्यूब का फ्री लेक्चर है, दूसरे लोगों का जो क्रैश कोर्स है उससे मजबूत उससे बेहतर हमारा यूट्यूब का फ्री लेक्चर सीरीज है। आप सोचो जब इतना बढ़िया फ्री में पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो जो हमारा क्रैश कोर्स है वहां पर हम क्रैश कोर्स के अंदर 3 से 3.5 घंटे सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं डेली, इतनी मेहनत, जो होगा ना बच्चे उनसे पूछो वो बताएंगे, मतलब हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं, वो यूट्यूब हो कि ऐप हो, यूट्यूब पर फ्री है तो भी अच्छा पढ़ाएंगे, बट वहां ज्यादा पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, और अच्छे से और ज्यादा, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते है ना, कंपेयर मत कीजिए, ओके। तो देखो कैसे हो गया 2000, ये क्वेश्चन अलग था, यहां पर कौन से फॉर्मूले यूज हुए, ये वाले फॉर्मूले, अभी अभी एकदम ध्यान से देखो, अभी ये सब फॉर्मूले भी यूज हो गए, ये मैंने शॉर्टकट्स दिया है। अभी ना लिमिट्स के बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल से होता है, इससे होता है एल हॉस्पिटल रूल से, वो क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, वो मैं आपको बताऊंगा। देखो ये 2023 का एक क्वेश्चन है, 10 मई को आया था, ये 2023 में ही 2 बार आया था बच्चों, कितनी बार आया था, 2 बार आया था। कैसे सॉल्व करने का, 2 तरीका है, एक तो है कि भाई रूट रूट जब भी होता है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, बट जब भी कोई एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन ऊपर नीचे हो और इसका लिमिट हो तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए। ये रूल क्या कहता है, किसी भी लिमिट को आसानी से सॉल्व कर देता है ये रूल। कैसे सॉल्व करता है,
ये कहता है कि भाई आप जो ऊपर एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का ऊपर ले लो, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे ले लो और यहां पर लिमिट ले लो। अब यहां पर जो एक्स की जगह जीरो रख दो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये होता है एल हॉस्पिटल रूल। ओके, तो देखो यहां पर ये लिमिट एक्स टेंड टू ए है। अब एक्चुअल में एल हॉस्पिटल लगाते कब है कि देखो अगर मैं ये एक्स टेंड टू ए है, यहां पर एक्स की जगह ए रख दूं तो नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में, रूट थ्री ए, एक्स की जगह ए रख दूं माइनस टू रूट ए, थ्री ए प्लस ए फोर ए, फोर ए का स्क्वायर रूट टू रूट ए माइनस टू रूट ए। ओ नो, ये तो जीरो आ रहा है, यानी कि अगर एक्स की जगह ए रख देंगे तो यहां पर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर जो है एक्स की डायरेक्ट जो वैल्यू दी है वो रखने पे जीरो हो रहा है तो हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। अगर ये जीरो नहीं होता होता हो रहा होता तो हम एक्स की जगह डायरेक्ट ए रखते, सॉल्व हो जाता। अभी यहां पर देखते हैं, शांतनु लिखते हैं राम राम सर आप हंसते हुए पढ़ाओ ना, ठीक है बेटा। तो आप है ना डायरेक्ट ना यहाँ पर डेरिवेटिव लो। देखो बच्चों रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। देखो ये रूट है, इसका डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट ए प्लस टू एक्स, बट ये x के बदले तो कुछ और था, उसका वापस डेरिवेटिव a प्लस टू एक्स का वापस डेरिवेटिव a का जीरो, टू एक्स का टू, रूट थ्री एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट थ्री एक्स, बट x के बदले और कुछ था, थ्री एक्स था, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री, वैसे ही नीचे इसका डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट थ्री ए प्लस एक्स, अब x के बदले ये था, इसका वापस डेरिवेटिव थ्री ए का जीरो, x का वन, वन से मल्टीप्लाई टू, रूट x का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट x। अब हमने क्या किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर और नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे ले लिया। ये शॉर्टकट मेथड होता है, इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। ओके, तो क्या होगा देखो, अब डायरेक्ट एक्स की जगह ए रख दो, अब जीरो नहीं होगा। देखो ये टू टू कट गया, जहां कट रहा है काट दो। ओके, अब जहां भी ना एक्स है ए रख दो, वन अपॉन एक्स की जगह ए रखा टू ए प्लस ए, तो थ्री ए, थ्री अपॉन टू रूट एक्स की जगह ए रखा, ये आ गया। देखो वन अपॉन टू रूट एक्स की जगह ए रखना है, हाँ देखो ए रखा, ए प्लस थ्री है फोर ए और ये टू है, फोर का स्क्वायर रूट टू, टू टू जा फोर, अंदर रूट ए आया, माइनस वन अपॉन रूट ए, ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो आंसर आएगा। देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, यहाँ पर रूट थ्री है टू है उसके साथ, यहाँ रूट थ्री टू है क्या, नहीं ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करो एडजस्टमेंट करने, यहाँ देखो फोर रूट है, यहाँ रूट है ए है, यहाँ फोर भी है, फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अब आप सॉल्व कर लोगे, देखो टू रूट थ्री है, टू रूट थ्री है तो टू रूट थ्री ए, ओके रूट में, और ये टू माइनस थ्री, टू इंटू वन टू, टू माइनस थ्री माइनस वन आया ऊपर। अब ये जो अपॉन में ये उल्टा हो जाएगा, फोर रूट ए ऊपर गया, सेम सेम था, वन माइनस फोर माइनस थ्री, देखो माइनस माइनस कट गया, टू टू जा फोर आ गया। अब देखो ये क्या आ रहा है, ये रूट ए से रूट ए कट गया, ये ऊपर टू आया, रूट थ्री 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 रूट थ्री, ये आ गया टू अपॉन थ्री रूट थ्री, सी आंसर आ गया। क्या किया सर आपने, बच्चों हमने एल एच रूल लगाया। एल एच रूल क्या होता है, ये कब यूज कर सकते हैं, जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो हम एल एच रूल लगाते हैं। ओके, एल एच रूल क्या कहता है, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर ले लो, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे ले लो, और उसके बाद x की डायरेक्ट वैल्यू रख दो। MSTCT कितनी बार दे सकते हैं, 12th 2023 में दिया, बट जितनी बार चाहिए बुढ़ापे तक दे सकते हो यार, कोई रूल नहीं है ऐसा, 10 15 20 साल तक देते रहो, दो तीन बार देते रहो चलेगा, है ना, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई कैप नहीं है, आप जब चाहिए तब दे सकते हो, मैं खुद भी जाके दे सकता हूँ। यूट्यूब के कुछ टीचर जाके एग्जाम देते हर साल, ताकि उनको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया। ओके, ठीक है, समझ में आया। देखो हमने एल हॉस्पिटल भी रूल भी देखा, अभी बहुत सारी चीजें मैं यहां पर बता रहा हूं। ओके, अभी ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, देखो 2022 में ये क्वेश्चन आया था 11th अगस्त को, एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चा। यहां पर वही तरीका है कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, देखो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ जो x होगा वही x आना चाहिए। 2022 में एक क्वेश्चन आया था, साइन के बाद x के बदले कुछ और है, तो
तो हम क्या करेंगे देखो, हाँ एकदम सिस्टमेटिक, ये साइन है, ये पाई है अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर को चेंज करो, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है, देखना मजा आएगा, देखना लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, देखो ये साइन, ये पाई अंदर गया, पाई इंटू वन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर, ओके अपॉन ये एक्स स्क्वायर है, देखना अभी किसी को लगेगा क्या एल हॉस्पिटल रूल से करेंगे, आएगा एल हॉस्पिटल से भी आएगा, टेंशन मतलब पहले ये बता रहा हूँ, देखो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, अब देखना ये पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, पाई माइनस हट जाएगा साइन ही आ जाएगा, इंटू ये जो अपॉन एक्स स्क्वायर इसको दूर रखो, क्यों देखो अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, यहाँ जो एंगल एक्स है वही एक्स होगा तो वन होता है, सेम करना है, तो ये साइन के एंगल में पाई साइन स्क्वायर है, इसको ना हम क्या करते हैं पाई साइन स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और इसको पाई साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा ये दोनों कट के जो था वही आ जाएगा, ये जो लिमिट है इसको अंदर भी भेज देते हैं, देखना मजा आएगा, अब देखो इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा वन है, समझ रहा है, साइन थीटा ये दोनों सेम है ना, साइन थीटा अपॉन थीटा ये वन आ गया, अब यहाँ पर क्या होगा देखो पाई बाहर आएगा, ये साइन एक्स अपॉन एक्स पूरे का स्क्वायर ये भी वन आ जाएगा, वही तो यहाँ पर क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, यहाँ पर क्या हुआ साइन एक्स अपॉन एक्स और स्क्वायर को बाहर ले लो तो ये वन का स्क्वायर आ गया, ये पाई बाहर ले लिया था तो आंसर आया वन इंटू पाई, पाई आ गया, तो आंसर जो है बी है बच्चों, आंसर क्या है बी है, समझ में आ रहा है, अभी अगर इसको एल हॉस्पिटल करना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, बट उसमें कैसे होगा दो बार डेरिवेटिव निकालना होगा, क्यों देखते हैं, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो है, तो जो मैंने आपको सिखाया था एल हॉस्पिटल रूल, क्या था वो एल हॉस्पिटल, कि भाई एल हॉस्पिटल क्या था एल, ओके ये क्या था देखो एल एल एच रूल, कि ऊपर नीचे कोई दो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव लो, डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स की वैल्यू जैसे जीरो है तो जीरो रख दो, बट ये तभी करना जब एक्स की डायरेक्ट वैल्यू रखने पे जीरो आ रहा हो तो ही करते हैं, ठीक है अब देखो हम करते हैं इसको, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करेंगे, यही क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल से, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव कॉस और ये एक्स के बदले पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, अब ये पाई कॉस स्क्वायर का वापस डेरिवेटिव लेंगे, पाई कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, जो आता आने तो कोई बात नहीं, ये हमने ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लिया है, अब जो नीचे एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव लो 2x, ओके एल हॉस्पिटल से कर रहे हैं इसको, देखना अब ये आ गया हमारा, अब ये आ तो गया है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैंने बोला था एल हॉस्पिटल करना है, एल हॉस्पिटल मतलब कि आप ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर लो नीचे का डेरिवेटिव नीचे लो, वो मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर को, लेकिन अब एक्स टेंड टू जीरो है, एक्स की जगह जीरो रखेंगे टू इंटू जीरो जीरो ही आ रहा है, अरे यार फिर जीरो ही आ रहा है, लफड़ा ही चालू है, फिर जीरो आ रहा है लफड़ा चालू है, तो हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे, नीचे का डेरिवेटिव टू एक्स का टू हो जाएगा, ऊपर का डेरिवेटिव लेना गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आ रहा है ऊपर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा गड़बड़, तो ऊपर का एक और तरीका हमारे पास है सबके बीच में मल्टीप्लाई, तो हम लिमिट को बांट देते हैं, ये लिमिट ऐसे हो जाएगा देखो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये जो है ना पूरा ये साइन एक्स उसके नीचे x दे देते हैं, सिर्फ साइन x के नीचे x, साइन x के नीचे x, और यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंड टू जीरो, ठीक है और बाकी लोग का लिमिट x टेंड टू जीरो क्या था cos पाई cos स्क्वायर x इंटू ये है देखो ये टू और टू से टू कट गया समझो है ना पाई cos x, ये हो गया टू टू कट गया और ये अलग अलग कर दिया मल्टीप्लाई, अब x की जगह जीरो रख दो तो cos जीरो इंटू एवरीथिंग जी कॉस पाई कॉस जीरो वन वन का स्क्वायर वन कॉस पाई आ गया इंटू पाई कॉस एक्स की जगह जीरो रख दो कॉस जीरो और साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है लिमिट ओके कॉस पाई माइनस वन होता है कॉस जीरो वन वन इंटू पाई वो कुछ गड़बड़ आ गया लग रहा है कॉस जीरो वन इंटू पाई पाई ये पाई यहाँ पर क्या आया था आंसर माइनस पाई आया क्या माइनस क्यों आ गया एक मिनट
यहां पर देखो अब ये तरीके से किया तो क्या, अच्छा इधर भी एक माइनस था, ये जो माइनस था ये पहले आएगा माइनस, ये देखो ये माइनस था, हमने सिर्फ साइन एक्स लिया, ये माइनस पहले आ जाएगा, माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस पाई, है ना, वन इंटू ये पाई आ गया, सही आना चाहिए। देखा आपने क्या किया, देखा आपने क्या किया, या तो आप सीधा सीधा, ये एक तरीका था कि भाई cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दिया सिंपली ये, फिर ये जो अपॉन एक्स स्क्वायर को साइड में लेके दोनों का डिनोमिनेटर पाई साइन स्क्वायर से, ये किया साइन एक्स अपॉन एक्स वन, ये पाई बाहर आ गया तो पाई साइन अपॉन एक्स वन, ओके पाई। या तो दूसरा तरीका एल हॉस्पिटल रूल, उससे क्या होता है ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव नीचे लिया, अब एक्स की जगह जीरो रखने का है तो फिर भी एक्स की जगह जीरो रख के नीचे जीरो ही आ रहा है तो नहीं रख सकते, तो हमने वापस पुराना तरीका, ये जो टेक्निक थी वैसा फॉर्मूला मेथड ये यूज किया, साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, तो ऐसे करने के बाद क्या हो गया कि ये जो साइन एक्स था उसके नीचे एक्स लिख दिया, साइन एक्स अपॉन एक्स उसको अलग कर दिया, बाकी लोग को एक साथ रखे, यहाँ का माइनस पहले आ गया, अब जहां भी एक्स है इसमें जीरो डायरेक्ट जीरो रखो, तो करते करते ये पाई आ गया और ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स वन आ गया, कोई भी तरीका लगाओ आंसर आना चाहिए, ओके समझ में आ रहा है, जो भी दिमाग में आए वो करना चाहिए। तो काफी क्वेश्चन हो गए, देखो ये सारे क्वेश्चन हो गए, अभी देखो ये क्वेश्चन है 2021 का, काफी इंटरेस्टिंग है कि कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करूं, तो यार ये जो x टेन टू वन है ना, आप नीचे देखो जीरो तो नहीं हो रहा, ये log x की जगह वन रखो, log वन, log वन क्या होता है, अरे जीरो होता है, अरे यार डिनोमिनेटर जीरो ही हो रहा है, कैसे सॉल्व करें, तो यार एकदम सिस्टमेटिक है LH रूल। LH रूल क्या कहता है, LH रूल, LH रूल कहता है कि आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लो, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो अपॉन, नीचे जो लॉग एक्स है उसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, अब आप ये जो एक्स टेन टू वन है, देखो मैंने LH रूल लगाया, LH रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर ले लेंगे, तो ये एक्स टेन टू वन जहां भी एक्स है वन रख दो, वन अपॉन टू रूट वन अपॉन में वन अपॉन वन, तो ये हो गया वन अपॉन टू और वन अपॉन वन वन, वन अपॉन टू आ गया। देखा आपने कैसे आ रहा है आंसर, मजा आ रहा है कि नहीं, ट्वेल्थ का मार्क कम है 2023 में दिया था, कैसे बढ़ाऊं, 2023 में दिए थे बेटा, खत्म हो गया चांस, आप नहीं बढ़ा सकते, इंप्रूवमेंट दो ही बार होता है बेटा, कौन है वो मिस्टर एरो गेमर बेटा, इंप्रूवमेंट दो ही बार होता है, समझ में आ रहा है, चीजें आसान होती है कि भाई लिमिट कैसे सॉल्व करूं सर, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो भाई LH रूल ये हमेशा 90% टाइम यही काम आएगा, जब भी अपॉन में है आप समझ जाना कि भाई LH रूल लगाना है। समीर देखो एक और दीवाना आया, समीर दीवाना दीवाना, भाई लड़कियों के नाम मत लिखो यार, बर्थडे यही विश कर लोगे सब, पता नहीं बर्थडे है या नहीं है, लड़कियों को रिक्वेस्ट है प्लीज अपना नाम बदल के रखो, पता ना चले कि आप लड़की हो, कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं लड़कियों के नाम देख के, टेलीग्राम में पीछे पड़ जाते हैं कुछ लोग, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में हो तो पीछे, डीपी देखते हैं कोई लड़की का डीपी है क्या, फिर उसको मैसेज करना चालू कर देते हैं, कैसे मालूम, हम लोग को स्क्रीनशॉट आते, देखो सर ये इस ग्रुप में है, ये मुझे मैसेज कर रहा है, मुझे जानती नहीं इसको, अब लड़कियां कंप्लेंट करती, और चैट में किसे उल्टी सीधी बातें लिख के रखते, जैसे कि पुराना पिछले जन्म का रिश्ता है, बड़े बदमाश लड़के हो गए आजकल, कुछ नहीं सब लोग नहीं कुछ। अभी देखो ये एक क्वेश्चन है, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आ गए, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, आ जाओ मैं आपको इन्फिनिटी का रूल बताता हूँ। देखो इन्फिनिटी का रूल क्या, देखो आपको मैं कुछ और ब्रह्मास्त्र के सोल्यूशन भी दिखाता हूँ, जो ब्रह्मास्त्र बुक है ना उसके सोल्यूशन, हैंड रिटन सोल्यूशन, ब्रह्मास्त्र के सोल्यूशन, जैसे लिमिट चैप्टर में ब्रह्मास्त्र को कैसे सॉल्व किया गया, देखो ये लिमिट चैप्टर ब्रह्मास्त्र का सोल्यूशन, जिसके बाद ब्रह्मास्त्र होगा उसको हार्ड कॉपी सोल्यूशन में इन चीजों का एक्सेस मिला होगा, इतने बढ़िया तरीके से मैंने हाथों से सोल्यूशन बनाया है, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है उसके लिए एक पेज रखा है, भले वो थोड़े से लाइन में सॉल्व हो जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर एकदम अच्छे से समझाया भी है कि मैं क्या LH रूल अप्लाई कर दूंगा, ये अभी मैंने सॉल्व किया था ना वो, कहां पर मैं रेड से बता भी रहा हूं कि यहां मैंने 2 खुद से लिया है 4 खुद से लिया है, तो ये पूरे ब्रह्मास्त्र का सोल्यूशन है अलग अलग क्वेश्चन का, ठीक है ना, ये आपको देखो ये अभी मैंने क्वेश्चन लिया था cos 7x - cos 2x / x स्क्वायर, देखो उसको किस तरह से हमने यहाँ पर दूसरा एक तरीका फॉर्मूला उससे भी किया, अलग अलग डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं,
ये हमने अभी नहीं किया है। तो इस तरह से है, ब्रह्मास्त्र बुक बहुत जबरदस्त है। यहां पर मैं इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों। देखो लिमिट x टेंड टू, अगर कभी इन्फिनिटी आए तो आपको याद रखना है कि हमें 1 अपॉन x करना है और इसका आंसर 0 हो जाता है। देखो बच्चों लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है और 1 अपॉन x का पावर कुछ भी है, स्क्वायर क्यूब कुछ भी है, तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो जब भी x टेंड टू इन्फिनिटी आएगा तो आपको क्या करना है पता है आपको, जैसे यहाँ पर x टेंड टू इन्फिनिटी है तो ये लिमिट है, आपको मैंने बताया कि जो लिमिट होता है वो सबके पास चला जाता है। ओके, ये x टेंड टू इन्फिनिटी है, ये 8 अगस्त का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर लिमिट है, वो इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, सबके पास जाएगा। ओके, ये लिमिट है इस तरह से, ये जो लिमिट है वो इसके पावर में भी चढ़ जाएगा। ओके, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या है देखो, 4x प्लस 3, ये क्या है 8x माइनस 1, इस तरह से। यहाँ पर क्या था देखो, अभी ना ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि ये जैसे एक्स स्क्वायर एक्स है, हाईएस्ट पावर क्या एक्स स्क्वायर, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ये क्या है देखो, 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन में क्या है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो ऐसे क्वेश्चन को जानबूझ के ना, जो एक्स स्क्वायर एक्स बड़ा कौन है एक्स स्क्वायर, सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। ऐसे करते ही क्या हो जाएगा, ऐसे करते ही क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी ये रहने दो, 8x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 8, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर 1x कट गया 5 अपॉन x, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये सबके नीचे एक्स स्क्वायर जाएगा। वो 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया 2, 7x अपॉन एक्स स्क्वायर x कट गया 7 अपॉन x, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ये आ गया। सेम वे से यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर पावर में ये x और x है तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करो, तो ये हो गया 4x अपॉन x 4 और ये 3 अपॉन x, ये देखो 8x अपॉन 8 माइनस ये 1 अपॉन x, हमने ये कर दिया। अब आपको ये वाली ट्रिक आपको काम आएगी कि भाई कभी भी लिमिट x टेंड टू अगर इन्फिनिटी है, जैसे ये इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन x या 1 अपॉन x का पावर कुछ भी दिखा तो 0 कर दो उसको डायरेक्ट। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक होती है, याद रखो इन्फिनिटी वाली। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये 8 है, 8 जिसके भी अपॉन में x है वो 0, अपॉन में x है वो 0, खत्म। 2 माइनस 7 अपॉन x 0, 5 अपॉन x स्क्वायर 0, डायरेक्ट 0 ही कर दो। पावर में देखो ये लिमिट पावर में 4 प्लस 3 अपॉन x 0 अपॉन 8 माइनस 0 लाइक दिस। देखो 8 0 0 8 2, 8 अपॉन 2 4, देखो 4 प्लस 0 4, 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2, ये हो गया 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2 और आंसर आया 2 ऑप्शन डी। तो ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है बच्चों, समझ में आ रहा है। समझ में आ गया ये इस तरीके से। अब समझो कोई एक क्वेश्चन है, ये कब आया था 2022 में आया था, 2022 में और एक क्वेश्चन आया था 2022 में, माय डियर 2022 में एक और आया था क्वेश्चन इस तरह से। क्या क्वेश्चन था देखो, कि ये क्वेश्चन बोला इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यार इसके पहले वाले में तो मजा था, अपॉन दिया है, अपॉन दिया है तो हमने x स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया अपॉन x आ गया, बट इसमें तो ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है 2022 में आया था, इसमें तो ऐसा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है देखो, रूट एन स्क्वायर प्लस 9 और ये माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, एन स्क्वायर प्लस 9 और प्लस एन, इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों एकदम ऐसा करने से क्या होगा, ये देखो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यहां पर इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट गायब, माइनस ये n का स्क्वायर होगा, देखो ए स्क्वायर स्क्वायर रूट गायब, बी स्क्वायर ये हो गया, अपॉन क्या आया ये अपॉन आया रूट एन स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9, देखो एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर 0, ऊपर सिर्फ 9 आ गया। ओके 9 स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर देखो एक n भी है, यहाँ पर एक n इंटू है तो ये अंदर n मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर n भी है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये n अंदर गया तो 9n अपॉन, यहाँ पर क्या है देखो रूट एन स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन में लिए थे, अब हमारे पास अपॉन आ गया, यहाँ पे कैसे था ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए थे हाईएस्ट पावर से,
यहाँ पे देखो जैसे ये n है, ऊपर नीचे n से डिवाइड करूं, ये n से तो क्या हो जाएगा, देखो ये n n कट गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 9 आ गया, ये n दोनों के नीचे जाएगा, n स्क्वायर रूट में घुस गया, ये n स्क्वायर रूट में घुसेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 1, और ये हो गया 9 अपॉन n स्क्वायर। कैसे हो गया, अगर कोई स्क्वायर रूट में जाता है जैसे n है, स्क्वायर रूट में गया तो उसका स्क्वायर हो जाता है, अब ये स्क्वायर रूट नहीं है, n अपॉन n 1। अब आप लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सबके पास लेके जाओ, आपको मैंने बताया कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है अगर, और 1 अपॉन n का कुछ भी पावर होगा तो 0 होगा, समझ में आ रहा है, ये 1 अपॉन n स्क्वायर भी 0 होगा, यह x के बदले n है, कोई डरने का नहीं, कुछ नहीं। अब देखो डायरेक्ट ये 9 है, लिमिट जा रहा है अंदर सबके, ये रूट 1 प्लस 9 अपॉन n स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 1 9 अपॉन 1 प्लस 0 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2, 9 अपॉन 2। ये देखा आपने इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। हैरो गेमर बोल रहे हैं सुपर चैट का रिप्लाई नहीं दिया आपने, आई सुपर चैट का रिप्लाई, रुक जा बेटा, पढ़ा था मैंने, मैंने दिया था रिप्लाई, आपने ध्यान नहीं दिया। 12th रिपीट करना होगा क्या, अब 12th रिपीट नहीं कर सकते आप, अगर 12th पास हो जाते हो ना बेटा तो उसके बाद सिर्फ 2 चांस होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का। अगर आपने 12th पास कर लिए, आपको ग्रुपिंग के लिए परसेंटेज नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं आपका परसेंटेज बढ़ जाए, तो आप अगर अभी जैसे कि मैं बता दूं, जिन बच्चों ने मार्च 2023 में एग्जाम दी थी उसके पास 2 चांस होता है, एक तो उसके तुरंत बाद जुलाई 2023 और उसके बाद मार्च 2024, ये इंप्रूवमेंट के लिए 2 ही बार में एग्जाम दे सकते हैं। अगर मार्च 2023 वाला कोई बच्चा है, 2 बार एग्जाम दिया या नहीं दिया, अब वो नहीं दे सकता, अगर वो पास हो गया था तो, अगर वो 12th में पास था और अपने परसेंट बढ़ाना चाहता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम बोलते हैं, वो 2 ही चांस होता है। अगर जो बच्चे अभी एग्जाम दिए मार्च 2024, देखो एकदम ध्यान से, अगर आप पास हो जाते हो बट आपकी ग्रुपिंग क्लियर नहीं होती, आप चाहते हो वापस 12th देके अपने मार्क्स बढ़ाना, तो आपके पास 2 ही चांस होंगे, जुलाई 2024 और एक होगा मार्च 2025, इसके अंदर ही आपको जो है, उसके बाद आप नहीं दे पाओगे। सीटी एग्जाम कितनी बार भी दे सकते हैं, 12th की एग्जाम की बात कर रहा हूं, 12th बोर्ड एग्जाम, ओके। अब देखो एक ऐसा ही क्वेश्चन 2021 में भी आया था इंफिनिटी भाई, और एक ऐसा ही क्वेश्चन 2023 में भी आया था, 2023 वाला काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जेई लेवल का है, बट ऐसे ही है, उसके अंदर थोड़े से 2 स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, जिसको आज मैंने स्पेशली जो है क्रैश कोर्स में कराया, वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि 2023 में भी एक ऐसा क्वेश्चन उसको जरूर करना, ओके जरूर करना, 2021-22 सब करना ही है। अब देखो ये है, इसको भी क्या करेंगे, ये रूट है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी वाला है, तो ये है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस x करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, ओके। और फिर क्या करोगे, ये खुद करोगे, क्यों, अरे ना अभी 2 क्वेश्चन इन्फिनिटी वाले, ऐसे ही क्वेश्चन था 2022 का, देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट गायब, कर देता हूँ, चलो कर देते, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट गायब, और माइनस x का स्क्वायर अपॉन में ये आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पर ओनली x है, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करो, डायरेक्ट करता हूं मैं, डायरेक्ट 5x अपॉन x 5 माइनस 7 अपॉन x, सबको x से डिवाइड किया, देखो ये x को x से डिवाइड किया 1, अभी यहाँ पर, अब जब कोई x है, x नीचे रूट को x से डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 1, 5x अपॉन एक्स स्क्वायर 5 अपॉन x, सर एक्स स्क्वायर कैसे हो गया, हमने तो x से डिवाइड किया, तो वो रूट में जाने के बाद एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये डायरेक्ट हमने कर दिया, डायरेक्ट किया, अब लिमिट अंदर जाएगा, तो जो भी अपॉन एक्स है जीरो हो जाएगा, 7 अपॉन एक्स 0, रूट 1 प्लस 5 अपॉन एक्स 0, 7 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 प्लस 1, 5 माइनस 0 5, रूट 1 प्लस 0 माइनस 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 प्लस 1 2, 5 अपॉन 2, आंसर सी। कितना ईजी है देखो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन। तेजस ली तो एक काल खूप इग्नोर केलस तू मानसी, माझं पूर्ण लक्ष तुझ्यावर होत, सर तिथे शिकवत होते आणि मी चॅट मध्ये तुझ्याशी बोलत होतो आणि कधीपासून मी वाट पाहत होतो,
की मानसी आता रिप्लाय देणार, मानसी आता रिप्लाय देणार, पण तो पूर्वी दिनेश सरांनी 3 प्रश्न सोडवला होता आणि ते बघण्याऐवजी मी तुझ्या रिप्लायवर रिप्लायची वाट पाहत होतो, पण तू दगा केलंस मानसी, तू मला रिप्लाय दिलं नाही, मी आतापर्यंत तुझ्या रिप्लायचं वाट पाहतोय आणि ह्या लेक्चरमध्ये आलोय, कधी देणार रिप्लाय, कधी देणार रिप्लाय? तर ह्या कोण आहे तो नाव? तेजस, तेजस, तेजस दादा तू कुठे आलंय? इथे मॅथचं लेक्चर आहे सीटीचा, तू मानसीचं रिप्लाय आणि त्याचं वाट पाहतोय, किती प्रश्न सोडवले मी, तुझं लक्ष तिकडेच आहे, सिरियस आहे की नाही? अच्छा आहे, मानसीच्या पाठी मानसीच्या मागे सिरियस आहे आणि सीटीच्या मागे नाही, मोहे मोहे हो जायगा तेरा, मोहे 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 मोहे। 2025 वाली MSTCD बैच जून में आएगी बेटा, एक आ चुकी है एस बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जो लाइव बैच है जून में आएगी। चैट में एकदम गधे लोग हैं यार, कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई निब्बा निब्बी जैसा काम कर रहे, बकलोल एकदम है। मैथ्स फॉर्मूला बुक बेटा आप हमारे दिनेश सर ऐप पर जाकर, ई बुक है वहां से ले सकते हैं, ई बुक है। कितने में सर फॉर्मूला बुक? 30 रुपीज में। ये जो फॉर्मूला बुक है ना बच्चों, यहाँ पर जो फॉर्मूला बुक आपको दिख रही थी, ये फॉर्मूला बुक पूरे 25 चैप्टर के फॉर्मूला इसकी PDF है, 30 रुपीज के अंदर है। आप चाहे तो ये बुक मंगा सकते हैं घर पे, हमारा जो eklavyapublication.com है वहां से। आपने यहाँ पर जो देखा ना, ये सब ये सोल्यूशन है ब्रह्मास्त्र बुक के, इस तरह से सोचो कितनी मेहनत करके बुक बनाया है, तो पूरा सोल्यूशन इसका एक्सेस दिनेश सर ऐप पर मिलता है और इसकी बुक आपके घर पे आती है, इतनी मोटी बुक। ओके, समझ में आ रहा है? तो जरूर करो यार, बहुत मेहनत की है सब चीजें बनाने में। जिसको बुक चाहिए बुक मंगा लो, eklavyapublication.com पे ब्रह्मास्त्र की बुक अवेलेबल है। ओके, अभी जो मैं 2023 का एक क्वेश्चन बता रहा था वो दिखाता हूं मैं आपको, जो आपको करना है खुद से। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन है, जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। 2023 का क्वेश्चन है, इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, ट्राई करना, थोड़ा सा JEE लेवल क्वेश्चन है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया था 2023 में। आपके शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आएगा बच्चों, लिमिट्स का एक ही क्वेश्चन आएगा। हो गया, मैंने मैक्सिमम सारे टॉपिक्स कवर किए, यहाँ लिमिट्स खत्म हो गया। आप चाहते और ज्यादा क्वेश्चन करना तो एकलव्य 1.0 लिया का स्क्रीनशॉट लिया का सबने? ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 14 अगस्त को। एक मिनट, ये गलती से अगस्त डाला है, ये गलती से अगस्त डाला, अगस्त नहीं है वो, मई है। ये देखो इसमें ना अमित सर, ये परीक्षण करवाना, ये अगस्त लिखा है ना, सब मई करना है, हाँ याद रखो सभी, अगस्त नहीं है ये, मई है। ओके, देखो ये है 14 मई का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकदम एकदम ध्यान से लो। तो ये 2023 का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ऑलरेडी यहाँ पर है ना, कैसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है वो सब देखो, रेड में है मतलब कॉन्जुगेट से, मैंने ब्रह्मास्त्र में दिया हुआ है। ओके, जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र लिया उसमें से जाके करो या कैसे भी करो, इसको ट्राई करो, आना चाहिए, ठीक है। हाँ, लिमिट्स के बारे में बोल रहा था, जो बच्चे चाहते हैं कि और क्वेश्चन करना है हमें सर, उनके लिए बता दूं बच्चों, आप लोग ऐप के ऊपर हो, ये हमारे सॉरी, आप लोग यूट्यूब पर ये देख रहे हो, एकलव्य 4.0 बैच है ये। ओके, एक ही क्वेश्चन आपको आने वाला है इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन। आप चाहते हो तो भाई 3.0, 2.0, 1.0, एकलव्य, इतनी 4 प्लेलिस्ट है, हर प्लेलिस्ट में ये चैप्टर के लेक्चर अवेलेबल है, उसमें अलग अलग क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट भी लिए गए हैं, वो जरूर प्रैक्टिस करना, तरीका मैंने बता दिया है। ओके, चला, और जिनका हॉल टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है शाम को करो, हेल्पलाइन पे कॉन्टेक्ट करो, चैट में देखो हेल्पलाइन नंबर डाला हुआ है। ओके, तो चलो फिर कल करेंगे आगे, कल संडे है, देखते हैं कल का क्या है शेड्यूल बनता है। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर बच्चों, बाय 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 बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन। चैनल पर जो लोग आए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब करो, जो नए बच्चे आ रहे हैं उसको शेयर करो ना यार। ओके।
ओके शेयर करो यार, हमारे चैनल को शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, अपने दोस्तों में बताओ, जो लेक्चर सीरीज बताओ, जुड़े रहो, आपके मन में कुछ सवाल आते हैं तो वो पूछो, सेशन को लाइक कर दिया करो। मैं बोलता नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, इसका मतलब नहीं करोगे, बहुत वो हो आप, अरे कर दिया करो यार, अरे फ्री है यार सब कुछ, ठीक है, चैनल को यार सब्सक्राइब करो। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं करके जा रहा हूँ कि 22 तारीख या 23 तारीख से, 23 से हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज यूट्यूब पर आएगी, तब तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। 22 अप्रैल से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ मैथ, जो जेई के क्वेश्चन होंगे, वो वाली सीरीज 23 अप्रैल से यूट्यूब पर मैं लेकर आ रहा हूँ, जो बहुत जबरदस्त होगी, बहुत जबरदस्त होगी। तब तक हम ये सिलेबस को वाइंड अप कर लेंगे 20-21 तक, 20-21 तारीख तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ओके, जो बचा कुचा है, आप लोग एकलव्य 1.0 2.0 की भी मदद लो, 3.0 ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं आप YouTube से कर रहे हैं तो, बाकी जो क्रैश कोर्स में है, टॉपर्स प्लस या प्रो में, उनको कोई जरूरत नहीं है, आप खाली एकलव्य 4.0 के कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो सब देखा करो। ओके चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।